आत्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा, मन जीतन का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरुजी आपको क्या बताएंगे, शराब मांस तम्बाखू चोरी ठगी जारी भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी, ये आपने मन जीतना पड़ेगा। और मन जीता जाएगा गुरुजी के आदेश से, और गुरुजी के वचन का पालन नहीं करोगे आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको क्या बताया जाएगा, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, अमरा के चारा खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है प्यासा रखता है, बाकी तो ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का सारे माइंड का जो ना जोर सारी टेंशन इस बात पर ला दे कि भगवान यो हो, ये लगा देता है ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो, यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं नहीं मिल रही है तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है, ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानों ने चाहे कति गलत लगता हो क्योंकि हम जीव हैं।